जो next question आता है है आपका वो है, write a note on gypsum. अब जब आप note की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर आपके पास थोड़ा बहुत लेवरेज है कि आप खुद भी उसके अंदर कोई चीज लिख सके ये नहीं कि अपनी तरफ से लिखें लेकिन आपकी जो बुक में चीजें मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर देना है कोशिश करें कि अगर एक या दो पॉइंट से ज़्यादा आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो उनको आप वन टू थ्री बुलेट्स में करके उस आंसर को कर दें बहुत लंबा लंबा लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है मैं आपको बता देती हूँ कि आपने आंसर सॉल्व कैसे करना है सो so, जब आपका क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन जिप्सम तो आपने उसका आंसर में लिखना है जिप्सम इज़ यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर जिप्सम इज़ यूज एज अ रॉ मटीरियल इट इज़ ऑल्सो यूज इन और आपने इसके बाद थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ के नाम लिख देने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर आप लिख दें केमिकल इंडस्ट्री पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लास्टिक एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस एक्सेट्रा ठीक है और उसके बाद अगर आप चाहते हैं ऑल दो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप एक आज जगह इस क्वेश्चन में मेंशन कर दें कि ये कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है जैसे कि के केवड़ा में दंडुट में उसके अलावा दाऊद खेल में और बाकी जो हमने डिस्कस किया आपके चैप्टर में उसको थोड़ा सा आप एक दो जगहों के नाम लिख सकते हैं दैट्स इट और इसके अलावा अपना एनालिसिस करने की इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है